फटाक 30 सेकंड में पूरी खबर डाउनलोड करें ताकि आप। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक, मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। सुपौल में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई है। बता दें कि पूरा मामला जो है वो मधेपुरा के वार्ड पार्षद के दोनों बेटों की हत्या से जुड़ा हुआ है। बता दें कि इनके दोनों बेटे जिनकी मौत हो चुकी है, उनमें से बड़े बेटे का ससुराल सुपौल में था। वो ठंडी के महीने में अपने बेटे को ठंड के कपड़े देने के लिए छोटे भाई के साथ ससुराल जा रहा था, लेकिन इसी दरमियान दोनों बेटों की हत्या कर दी गई, जिसके बाद पूरे इलाके में सनसनी फैली हुई है। परिजन क्या कह रहे हैं जरा सुनिए। कुछ नहीं जानकारी मिले है दमादहा का कखन पहुंचल लगो? नहीं, हमरा गांव नहीं पहुंचल है। केना पता चलल हम सबके? हमरा रात में जैसे ने से फोन कल के सांझ के समझिन या समझिन फोन कल के जे गेले हो त हम कहलिए नहीं एतय नहीं एलै है। एतय ले भर रात बजे 10 बजे रात तक जागले रहलिए सगरे एकदम से जैसे से कतो नहीं मुझे पता चल गया एकदम। तकर बाद बड़का 4 बजे भोर उठलिए, तकर बाद सगरे एकदम से बुआल खुललिए त से लेकर कहियो गेलिए कहियो से मधेपुरा गेलिए जतय से इलेक्शन। फिर केना पता चलल एतय लाश? लाश ओतय गेलिए तऽ हमर बचिया फोन ओतय से कलके कहियो से एतय से फोन कलके हमर भाई साहब फोन कलके काटलक। सुपौल में मधेपुरा वार्ड नंबर 8 के वार्ड पार्षद के दो पुत्र की हत्या से सनसनी फैल गई है। दोनों बेटों की लाश सुपौल सदर थाना इलाके के बलवा डुमरिया के कोसी नदी में मिली है। पुलिस पूरे मामले पर पड़ताल कर रही है। पुलिस का क्या कुछ कहना है जरा सुनिए। अभी प्रारंभिक अनुसंधान चल रहा है। दो लोगों की हत्या या दो लोगों का डेड बॉडी यहाँ पे मिला है। दोनों लोग मधेपुरा जिला के रहने वाले हैं। यहाँ पे उनका ससुराल था, तो ये नदी है, नदी के पास दोनों का डेड बॉडी प्राप्त हुआ है। अभी परिजनों के द्वारा कोई बात नहीं बताई गई है। हम लोग बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं, वो लोग अभी सदमे में हैं, तो बात करके हम लोग आगे का कार्रवाई करते हैं। दोनों सगे भाई हैं। अभी जो कुछ पता चल रहा है कि कल शाम में ये लोग सुपौल में आए थे, यहाँ पे कब आए हैं ये सारी चीजें डिटेल जो है अभी नहीं प्राप्त। पुलिस पूरे मामले पर पड़ताल की बात कह रही है। देखना होगा कि पूरे मामले पर आगे चलकर गिरफ्तारी क्या कुछ होती है, लेकिन इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है ये डबल मर्डर, क्योंकि दोनों भाई जो हैं वो मधेपुरा से निकलकर सुपौल पहुंचे थे बड़े भाई के ससुराल उसके बेटे को ठंड के कपड़े देने के लिए, लेकिन इसी बीच दोनों की हत्या हो जाती है। उसके बाद लगातार ससुराल वाले और मधेपुरा में वार्ड पार्षद का परिवार आपस में फोन पर बातचीत करता रहता है कि आखिर कहाँ है दोनों लड़के, क्योंकि ना वो ससुराल पहुंच पाते हैं और ना ही मधेपुरा में अपने घर वालों को मिल पाते हैं। इसके बाद जब पुलिस को पूरे मामले पर इन्फॉर्म किया जाता है तो जानकारी मिलती है कि दो लाश जो है वो कोसी नदी के पास मिली है, जिसके बाद लाशों की शिनाख्त के बाद जानकारी मिलती है कि ये दोनों लड़के जो हैं वो मधेपुरा के वार्ड पार्षद के बेटे हैं। पूरे मामले पर हर एंगल से पुलिस की जांच आगे तो बढ़ रही है, लेकिन पंचायत चुनाव के बाद चुनावी रंजिश में भी हत्या के दावों से इनकार नहीं किया जा सकता। सुपौल से हमारे संवाददाता धीरज कुमार सिंह की रिपोर्ट आप देख रहे थे। चलते चलते आपको बता दें कि बिहार तक अब नए अंदाज नए लुक में आपसे मुखातिब है। हमारा नया लुक आपको पसंद आ रहा है या नहीं, ये भी कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही बिहार की खबरों के लिए आप देखते रहिए, बने रहिए बिहार तक के साथ।